एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक कॉफी हेयर मास्क या कॉफी हेयर डाई के बारे में बताने वाली हूँ। ये कॉफी हेयर डाई आपके सफेद बालों को सिर्फ 25 से 30 मिनट में बिल्कुल काला कर देगी और आपके बालों को लॉन्ग, स्ट्रांग और शाइनी बनाएगी। ये कॉफी हेयर डाई बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसको घर में ही सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं और अपने बालों में लगाकर अपने बाल सफेद से काला सिर्फ 25 से 30 मिनट में कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इस कॉफी हेयर डाई को कैसे बनाएं। तो इस कॉफी हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कॉफी पाउडर। आप यहाँ पर कोई सी भी कंपनी का कॉफी पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए आंवला पाउडर, और अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप आंवले का जूस भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। फिर आपको चाहिए कैस्टर ऑयल और आपको चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी। तो इस कॉफ़ी हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म पानी ले लीजिए। उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालिए और उसको अच्छे से मिलाइए ताकि कॉफ़ी पाउडर अच्छे से गर्म पानी में मिक्स हो जाए। और अच्छे से मिलाने के बाद अब आपको इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच आंवला पाउडर डालना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप आंवला पाउडर की जगह आंवले का जूस भी यूज कर सकते हैं। और अब आंवला पाउडर डालने के बाद अब आप दोबारा से इन सबको अच्छे से मिलाइए ताकि ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इस पेस्ट में कोई भी गांठें ना पड़ें। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद अब आपको इसमें सबसे पहले नारियल का तेल डालना है, और यहाँ पर सिर्फ मैं 1 चम्मच नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ। नारियल के तेल के बाद आपको इसके अंदर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है। और अब आखिरी बार सबको अच्छे से मिलाना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ और लम फ्री पेस्ट बनाएं। और सबको अच्छे से मिलाने के बाद आपका होममेड हेयर डाई रेडी है, और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये होममेड हेयर डाई बिल्कुल स्मूथ और लम फ्री होनी चाहिए, यानी कि बिना गांठों वाली, ताकि आपके बालों पे आसानी से लग पाए। और इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इस कॉफ़ी हेयर डाई को लगाना भी बहुत आसान है। इसको आप एक हेयर मास्क या आप किसी भी नॉर्मल डाई की तरह अपने बालों पे लगा लीजिए। इसको अच्छे से अपने हेयर के रूट्स पर और हेयर की लेंथ पर अच्छे से लगाइए और इसको कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये हेयर डाई अच्छे से सूख जाए तब आप इसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए। और याद रखिए कि आपको इसको लगाने के बाद शैम्पू और कंडीशनर नहीं करना है और इसको नॉर्मल पानी से ही धोना है। ये हेयर डाई बहुत ही असरदार है और आपके सफ़ेद बालों को सिर्फ 30 से 40 मिनट में काला कर देगी। और इस हेयर डाई को अगर आप लगातार हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, घने और स्ट्रांग हो जाएंगे। और इस हेयर डाई में कोई भी केमिकल नहीं है जिससे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और लस्टर्स बनेंगे और वाइट से परमानेंटली ब्लैक हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोज़ की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।